नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एससी न्यूज टुडे। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण की सीटों पर चुनाव प्रचार तेज हो गया है। वहीं गुजरात में चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत छोड़ने जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भी चुनाव प्रचार जुट गई है। वहीं हर सियासी दल ने गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। वहीं इसी कड़ी में पीएम मोदी आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज 4 जनसभा करने जा रहे हैं। वहीं राहुल गांधी भी 2 रैलियों कर कांग्रेस के वोट के लिए अपनी अपील करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल भी रोड शो कर अपने पक्ष में वोट करने के लिए कहेंगे। वहीं गुजरात में पहले चरण के होने वाले चुनाव के लिए पीएम मोदी आज 3 रैलियां करने जा रहे हैं। पीएम मोदी की पहली रैली सुबह 11 बजे सुरेंद्रनगर में होगी। इसके बाद दोपहर करीब 1 बजे चम्मूसर और फिर 3 बजे नवसरी में चुनाव सभा किया। वहीं पीएम मोदी ने पिछले विधानसभा चुनाव में गुजरात में 34 जनसभाएँ की थी। इस बार वे कम से कम 25 चुनावी सभाएँ करने वाले हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी बीते 3 दिन से लगातार जनसभा और रोड शो कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज द्वारका, सोमनाथ, जूनागढ़ और कच्छ जिलों के 4 जनसभाओं को संबोधित किया। वहीं सुबह 11 बजे पहली जनसभा को द्वारका जिले के खंबालिया विधानसभा क्षेत्र है। इसके बाद 1 बजे कोदिनार के सोमनाथ में रैली को संबोधित किया। इसके साथ ही जूनागढ़ के मंगरोल विधानसभा क्षेत्र में और कच्छ में भुज विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात में चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी गुजरात चुनाव आज पहली बार गुजरात पहुंचे हैं। राहुल गांधी सौराष्ट्र के राजकोट और सूरत में महुदा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचार अरविंद केजरीवाल आज सोमवार को रोड शो करने जा रहे हैं। वहीं केजरीवाल पार्टीदारों का गढ़ माने जाने वाले अमरेली में रोड शो किया। वहीं आपकी ओर से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और संजय सिंह भी अलग अलग इलाकों में चुनाव प्रचार की कामना संभाले हुए हैं।